हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डोमिनर 250 के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, डोमिनर 250 बहुत ही जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। तो इस बाइक से रिलेटेड अगर आपको सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और ये वीडियो में हम लोग इस बाइक के राइवल्स के बारे में भी बात करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको सबसे पहले ये जानना है कि ये बाइक कब तक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, क्या इसकी ऑन रोड प्राइस रहेगी, तो इसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आपको बाइक से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट्स मिल जाती है, तो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को अब हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले ये बात करते हैं कि बजाज इस बाइक को कब अनवील करने वाली है। तो बजाज इस बाइक को बस इसी महीने यानी मार्च में ही अनवील कर देगी, और ये बाइक आपको अप्रैल तक मार्केट में भी देखने को मिल जाएगी। इस बाइक की अगर हम लोग एक्सोरूम प्राइस की बात करें जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो डोमिनर 250 की एक्सोरूम प्राइस होगी 1.65 लाख रुपीज। इस बाइक की जो ऑन रोड प्राइस है वो जिक्सर 250 तक जा सकती है। अगर इसकी कंपटीशन की बात करें तो ये बाइक मार्केट में कॉम्पीट करेगी ड्यूक 250 से, जिक्सर SF 250 से, FZ 25 से और जिक्सर 250 से। तो दोस्तों, इन सभी बाइक्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले डोमिनर 400 के कुछ इंजन स्पेसिफिकेशन और उसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस बाइक की अगर बॉडी डिजाइन की ओर देखें तो डोमिनर 250 में जो आपको बॉडी डिजाइन है वो ऐसे ही देखने को मिलेगा जैसे डोमिनर 400 में आता है। डोमिनर 400 के जो पेरीमीटर फ्रेम है वही पेरीमीटर फ्रेम के साथ डोमिनर 250 भी आएगी। लेकिन वहीं अगर आप स्विंगम की ओर देखेंगे तो स्विंगम आपको छोटा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू डोमिनर 400। अब अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बजाज की जो ऑस्ट्रियन सिबलिंग है यानी KTM जो है, KTM के पास ऑलरेडी एक क्वाड्रेटर सेगमेंट की बाइक अवेलेबल है विच इज KTM ड्यूक 250। तो वैसे ही आपको इसमें इंजन देखने को मिलेगा, इनफैक्ट वही इंजन देखने को मिलेगा बजाज डोमिनर 250 में। इसका जो पावर ट्यूनिंग होगा और इसका जो लो एंड या मिड एंड परफॉर्मेंस होगी उसको कंपनी यहां पे ट्विक करने वाली है। तो ड्यूक 250 में आपको 30 bhp का पावर मिलता है, तो ऑलमोस्ट आपको डोमिनर 250 में उतना ही bhp का पावर मिलेगा या उससे हल्की कम पावर आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की अगर डिटेल्स में बात करें तो इसमें आपको सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक DOHC इंजन मिलेगा जो कि 248 cc का होगा। इसमें आपको 29 bhp का पावर, 24 Nm का टॉर्क मिलेगा। अगर इसके बोर और स्ट्रोक की बात करें तो बोर आपको मिल जाएगा 89 mm की और इसकी स्ट्रोक होगी 60 mm। डोमिनर 250 में भी फ्रंट में आपको USD फोक्स मिलने के चांस है और इसमें आपको रियर में मल्टी स्टेप मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा। अब अगर टायर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो डोमिनर 250 में फ्रंट में आपको वैसे ही टायर मिलेगा जैसा कि इसकी एल्डर सिबलिंग डोमिनर 400 में आ रहा है, 110x76 इंच के, और रियर में 150x66 इंच के टायर मिलेंगे। तो दोस्तों, इसमें कंपनी स्लिपर क्लच देने वाली है कि नहीं इस पर मैं अभी आपको कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। एक बार ये बाइक लॉन्च हो जाए फिर मैं आपके लिए इस पर एक टोटल अपडेट में वीडियो बना दूंगा कि इस बाइक में आपको क्या क्या अलग फीचर्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको टायर्स के बारे में बता दिया। और उसके अगर ब्रेक्स के बारे में बात करें, फ्रंट में आपको 320 mm की डिस्क मिल सकती है और रियर में आपको 230 mm की डिस्क मिलेगी। 320 mm की फ्रंट में डिस्क मिलेगी ये अभी कंफर्म नहीं किया जा रहा है क्योंकि 320 mm की डिस्क डोमिनर 400 में आती है, तो हो सकता है कि आपको 20 mm यानी 300 mm की डिस्क भी मिल सकती है। डोमिनर 250 की जो ग्राउंड क्लियरेंस होगी 157 mm होगी, इसकी भी सीट हाइट 800 mm होगी और इसकी भी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो आपको 13 लीटर्स की देखने को मिलेगी। इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा ब्रेकिंग के लिए और इसमें आपको लिक्विड कूलिंग इंजन मिलेगा। डोमिनर 250 में भी आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलेंगे और इसका जो एग्जॉस्ट होगा वो भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको डोमिनर 400 वाला देखने को मिले। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको इंजन स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स बता दिए क्या क्या आपको नई डोमिनर में देखने को मिल सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ये बाइक पे मैं एक और वीडियो बनाऊँ इस बाइक के लॉन्च होने के बाद, तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल्दो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके क्विक अपडेट्स पा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको डोमिनर 250 की इंजन स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में बताया। अब हम लोग इस बाइक के इसके राइवल से कंपेयर करके देखते हैं कि इस बाइक में आपको क्या अच्छा मिल जा रहा है इसके राइवल से। तो दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर हम लोग बात करने वाले FZ25 के बारे में, क्योंकि यही वो बाइक रहेगी जो कि आपको डोमिनर 250 से भी लेस प्राइस में मिल जाएगी जो कि आएगी 250 cc इंजन के साथ। तो यामा FZ25 के लिए आपको ऑन रोड या दिल्ली में प्राइस पे करना पड़ेगा 1,56,000 रुपीज। और दोस्तों, ये भी बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा, लेकिन इसकी जो पावर और टॉर्क फिगर होगी वो डोमिनर 250 इतनी नहीं होगी क्योंकि इसमें आपको पावर सिर्फ 20 bhp का मिलता है और टॉर्क भी आपको 20 Nm का ही मिलेगा। तो डोमिनर 250 से अगर कंपेयर किया जाए तो इसका जो पावर और टॉर्क है वो उतना ज़्यादा कुछ अच्छा है नहीं, यानी इसका जो परफॉर्मेंस है वो डोमिनर 250 के इतना एक्साइटिंग नहीं आपको मिलेगा। ऑल्दो इस बाइक का जितना प्राइस है उसके हिसाब से इस बाइक का जो लो एंड परफॉर्मेंस है वो आपको एडिक्वेट मिल जाता है क्योंकि इसका जो टॉर्क है वो बहुत ही जल्दी 6000 rpm पे आपको इसकी पीक टॉर्क मिल जाती है। और दोस्तों, वहीं फीचर्स की भी बात करें तो यामा FZ25 में आपको उतना फीचर्स भी नहीं मिलेगा जैसे डोमिनर 250 में मिलेगा, क्योंकि डोमिनर 250 में आपको लिक्विड कूलिंग इंजन मिलेगा, इसमें आपको ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। डोमिनर 250 में आपको USD फोक्स मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, इस बाइक में आपको सिर्फ टेलीस्कोपिक फोक मिलता है। और वहीं डोमिनर 250 में जो आपको टायर कॉन्फिगरेशन है वो भी वाइड देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू FZ25, क्योंकि FZ25 में फ्रंट में आपको 100x86 इंच के टायर मिलते हैं और ईयर में आपको 140x76 इंच के टायर मिलते हैं। तो टायर कॉन्फिगरेशन आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी डोमिनर 250 में। और डिस्क साइज की भी अगर बात करें तो डिस्क साइज में भी यामा FZ25 पीछे ही रह जाती है डोमिनर 250 से कंपैरिजन करने में। फ्रंट में इसमें आपको 282 mm की डिस्क मिलती है और रियर में आपको 220 mm की डिस्क मिलती है। तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की
ओर से भी अगर देखा जाए तो डोमिनर 250 यहाँ आगे निकल जाती है। और वहीं अगर आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ओर देखें तो यामा FZ25 का जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसका साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, जिसकी वजह से उसमें जो टेक्स्ट निकल के आते हैं उतना क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। और वहीं डोमिनर 250 के जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उसमें आपको जो टेक्स्ट है वो काफ़ी क्लियरली विजिबल होते हैं, क्योंकि डोमिनर 400 का जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल देख ही रहे होंगे कि उसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल का लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने कंपेयर किया यामा FZ25 को डोमिनर 250 से। ऑल्दो अगर आपका बजट कम है और आपको 250 सीसी बाइक चाहिए तो आप यामा FZ25 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि सिटी में ये बाइक राइड करने के लिए काफ़ी अच्छी है और 250 सीसी सेगमेंट में इस बाइक का माइलेज भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट में जो सेकंड नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों इसमें सेकंड नंबर बाइक है, इस बाइक का नाम है सुजुकी जिक्सर 250। ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे हम लोग फेयरिंग वाले जिक्सर की नहीं बात कर रहे, हम लोग नेक्सर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका सिर्फ नाम है जिक्सर 250। तो जिक्सर 250 के लिए आपको ऑटोड्यू दिल्ली में प्राइस पे करना पड़ता है 1,84,000 रुपीज़। लगभग डोमिनर 250 भी इसी प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलेगी। जिक्सर 250 की अगर पावर और टॉर्क को डोमिनर 250 से कंपेयर किया जाए तो इसकी भी जो पावर और टॉर्क है वो आपको डोमिनर 250 इतनी नहीं मिलेगी। इसमें आपको 26 BHP का पावर मिलेगा और 22.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जो कि उतना ज़्यादा नहीं जितना आपको डोमिनर 250 में मिल रहा है। ऑल्दो इस बाइक का इंजन जो है वो काफी ज्यादा रिफाइन है और डोमिनर 250 में आपको लिक्विड कूलिंग इंजन मिल रहा है, लेकिन जिक्सर 250 में आपको ऑयल कूल्ड इंजन दिया गया है। जिक्सर 250 के कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको LED हेडलैम्प मिल जाएगा, डुअल पोर्ट एग्जॉस्ट मिल जाएगा और डुअल चैनल ABS भी मिलेगा। तो ये सब फीचर्स आपको डोमिनर 250 में भी दिए गए हैं। और वहीं जिक्सर 250 की भी सीट हाइट है 800 mm और इसकी कर्वेट 156 kg है। तो कर्वेट अभी तक से डोमिनर 250 की निकल के नहीं आई है, इसीलिए हम लोग उस पर अभी बात नहीं कर सकते हैं। ब्रेक्स और टायर्स के बारे में बात करें तो जिक्सर 250 में फ्रंट में आपको 110/76 के 17 इंच के टायर दिए गए हैं और रियर में आपको 150/66 के 17 इंच के टायर दिए गए हैं। तो यहाँ दोनों ही बाइक्स अच्छी परफॉर्म करेगी। अगर टायर कॉन्फिगरेशन देखा जाए तो दोनों का ही टायर कॉन्फिगरेशन अच्छा है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि डोमिनर 250 कौन सी टायर ब्रांड के साथ आ रही है। और अगर हम लोग यहाँ पर डिस्क साइज की बात करें तो दोस्तों अगर हम लोग डिस्क साइज की बात करें तो जिक्सर में जो फ्रंट डिस्क है वो आपको 300 mm की मिलती है और रियर में जो डिस्क है वो 220 mm की मिलती है। तो लगभग आपको जो डिस्क साइज है वो सिमिलरली देखने को मिल रही है जैसा कि डोमिनर 250 में मिलने वाली है। और वहीं इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ओर देखें तो जिक्सर 250 का जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को लगता है। नेगेटिव डिस्प्ले जो है इसके वजह से इस बाइक का जो इन्फॉर्मेशन निकल के आते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में काफ़ी क्लियरली विजिबल हैं। इसमें आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिल जाता है और वहीं डोमिनर 250 में जो आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा उसमें आपको एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, गियर पोजीशन इंडिकेटर ये सब देखने को मिलता है। तो लगभग इंस्ट्रूमेंट कंसोल में भी दोनों बाइक्स इक्वल हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो जिक्सर 250 सिर्फ डोमिनर 250 से पावर और टॉर्क में पीछे रह जाती है। ऑल्दो आपको इसमें फीचर्स सेम देखने को मिल जा रहे हैं जैसा कि डोमिनर 250 में मिलने वाला है। तो सेकंड नंबर पे थे जिक्सर 250। अब बात करते हैं इसमें जो थर्ड नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों इसमें जो थर्ड नंबर बाइक है बजाज की ऑस्ट्रियन सिबलिंग की बाइक है, इस बाइक का नाम है KTM ड्यूक 250। KTM ड्यूक 250 के लिए आपको ऑनरोड न्यू दिल्ली में प्राइस पे करना पड़ता है 2,26,000 रुपीज। और दोस्तों ये बात तो मस्ट है कि जो डोमिनर 250 के कस्टमर्स होंगे वो ड्यूक 250 की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इन दोनों बाइक्स की जो प्राइस गैप है वो काफी ज्यादा है। इसलिए ड्यूक 250 के कस्टमर तो ड्यूक 250 लेंगे ही, लेकिन जो डोमिनर 250 के कस्टमर से वो ज़्यादा से ज़्यादा चेंज कर सकते हैं जिक्सर 250 से या कोई और 200 cc की बाइक से। तो फिर भी दोस्तों ड्यूक 250 क्वाड्रेटर सेगमेंट में आती है, इसलिए मैं आपको डोमिनर 250 से इस बाइक को कंपेयर करके बता रहा हूँ कि इस बाइक में आपको क्या बेटर मिल रहा है डोमिनर 250 से और डोमिनर 250 में क्या बेटर दिया जा रहा है ड्यूक 250 से। तो सबसे पहले अगर इंजन की बात करें तो दोस्तों इन दोनों ही बाइक्स में आपको सेम इंजन देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता ही दिया कि ड्यूक 250 में जो कंपनी इंजन यूज़ करती है वही सेम आपको डोमिनर 250 में दिया जा रहा है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी एक नया इंजन यहाँ पे डेवलप नहीं करेगी। एक नया इंजन डेवलप करने में काफी ज्यादा वर्क लगता है, काफी ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है और काफी ज्यादा एक्सपेंसेस भी खर्चे होते हैं। इसलिए दोस्तों कंपनी नया इंजन नहीं यूज करेगी, और नया इंजन यूज करती भी है तो डोमिनर 250 की प्राइस जो है वो लगभग 15,000-20,000 रुपीज और बढ़ जाएगी जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आपको वैसे ही सेम इंजन स्पेसिफिकेशंस भी देखने को मिलेगा जैसा कि डोमिनर 250 में हम लोगों ने बात किया। लेकिन दोस्तों इस ड्यूक 250 में आपको पावर ज़्यादा मिलता है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बाइक महंगी भी है। 30 BHP का पावर, 24 Nm का टॉर्क आपको मिलेगा और ड्यूक 250 का जो इनिशियल पिकअप है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस बाइक का पावर टू वेट रेशियो काफ़ी अच्छा है। ड्यूक 250 आती है 6-speed गियरबॉक्स के साथ, लिक्विड कूलिंग इंजन इसमें दिया गया, इसकी सीट हाइट है 830 mm और इसकी कर्वेट है 161 kg। ड्यूक 250 में आपको डुअल चैनल ABS भी मिल जाता है और ड्यूक 250 के जो BS6 वर्जन है इसके ABS को आप ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं, जैसा कि ड्यूक 390 में आप सुपर मोटो मोड में करते हैं। टायर साइज की बात करें तो आपको वैसे ही टायर साइज मिलेगा जैसा कि डोमिनर 250 में मिलेगा, फ्रंट में 110/76 के और रियर में 150/66 के 17 इंच के। और दोस्तों अगर डिस्क साइज की बात करें तो ड्यूक 250 में आपको फ्रंट में 320 mm की डिस्क मिलती है और रियर में आपको 230 mm की डिस्क मिलती है। तो अगर आपको सेम यही डिस्क डोमिनर 250 में मिलेगा तो दोनों ही बाइक्स डिस्क के मामले में इक्वल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो ड्यूक 250 की काफी ज्यादा अच्छी है। और वहीं अगर इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ओर देखेंगे तो ड्यूक 250 में आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, इसमें आपको ऑरेंज बैकलाइट मिलेगी
तो इसमें आपको रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाता है, एवरेज फ्यूल कंजप्शन मिलता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, इंजन टेम्परेचर गेज मिल जाता है। तो काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको ड्यूक 250 के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में। तो अगर डोमिनार 250 के इंस्ट्रूमेंट कंसोल से इस कंसोल को कंपेयर किया जाए तो आपको कुछ फीचर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं ड्यूक 250 में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने कंपेयर किया KTM ड्यूक 250 को डोमिनार 250 से। तो 250 सीसी सेगमेंट की मोस्ट पावरफुल बाइक और जो बाइक जिसमें आपको सबसे ज्यादा इनिशियल पिकअप अच्छा मिलता है वो KTM ड्यूक 250 ही है। इस बाइक का ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस बाइक के लिए आपको हल्की प्रीमियम प्राइस पे करनी पड़ती है बाकी 250 सीसी बाइक से कंपैरिजन में। तो थर्ड नंबर पे थी ड्यूक 250, अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पे जो बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों जो फोर्थ नंबर बाइक, ये बाइक डायरेक्टली कॉम्पीट तो नहीं करेगी डोमिनार 250 से, क्योंकि एक फेयरिंग बाइक और फेयरिंग बाइक को ज्यादा लोग लुक्स के लिए लेते हैं और ज्यादा हाईवे पर टॉप स्पीड अचीव करने के लिए लेते हैं। तो इस बाइक का नाम है सुजुकी जिक्सर SF250। तो दोस्तों अगर आपको डोमिनार 250 के बदले में कोई फेयरिंग बाइक चाहिए तो आप जिक्सर SF250 के साथ जा सकते हैं। जिक्सर SF250 के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी इंजन स्पेसिफिकेशन और उसके फीचर्स के बारे में बात कर लिया है। इसके नेकेड वर्जन जो है जिक्सर 250 उसी में, क्योंकि ये दोनों ही बाइक्स में आपको सेम इंजन और सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं। जिक्सर SF250 में आपको एक फीचर एक्स्ट्रा मिलता है, सिंगल क्लिक स्टार्टर मिलता है, जिसकी वजह से इसकी जो सेल्फ की बटन है उसको सिर्फ आप एक बार प्रेस करेंगे तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी, ज़्यादा देर तक आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं है। जिक्सर SF250 में भी आपको LED हेडलैम्प मिल जाता है और LED टेल लैम्प मिल जाता है, और SF250 के लिए आपको ऑडियो न्यू दिल्ली में प्राइस पे करना पड़ेगा 2,04,000 रुपीज। तो दोस्तों फोर्थ नंबर पे हम लोगों ने कंपेयर किया जिक्सर SF250 को डोमिनार 250 से। ऑल्दो अगर आपको पावर और टॉर्क ज़्यादा चाहिए तब आप डोमिनार 250 के ही साथ जाए, क्योंकि इस बाइक की जो पावर और टॉर्क है वो आपको उतनी नहीं मिलेगी जितना डोमिनार 250 में मिल रही है। इसलिए अगर इनिशियल पिकअप की बात करें तो डोमिनार 250 एज कम्पेयर टू जिक्सर SF250 ज़्यादा अच्छी आपको परफॉर्मेंस देगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 4 250 सीसी सेगमेंट्स की बाइक को कंपेयर किया डोमिनार 250 से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ऐसी और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।